एकदम डायरेक्ट बोलूं, दिल से बोलूं, आज अपने एक इंसान होने पर शर्म सी आ रही है। दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई की दहशत अब राजस्थान और हरियाणा से आगे बढ़कर मुंबई तक फैल चुकी है, जिसका प्रभाव वहां आए दिन देखा जा सकता है। हाल ही में बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को फिर से धमकी मिली है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के 5 दिन बाद कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने यह धमकी दी है। इस बार मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल को एक धमकी भरा मैसेज मिला, जिसमें भेजने वाले ने खुद को बिश्नोई गैंग का करीबी बताया और 5 करोड़ रुपए की मांग की। सलमान खान को पिछले कई वर्षों से जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की धमकियों का सामना करना पड़ रहा है। इस वजह से पुलिस ने उन्हें Y+ सुरक्षा दी है और NCP नेता की हत्या के बाद उनकी सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। इस पूरे मामले पर बॉलीवुड के कई कलाकारों की प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, जिनमें अक्षय कुमार खासे नाराज नजर आए। तो आखिर इस खबर की पूरी सच्चाई क्या है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ताजा जानकारी के अनुसार मुंबई ट्रैफिक पुलिस को व्हाट्सएप पर धमकी भरा मैसेज मिला है, जिसमें कहा गया है कि लॉरेंस बिश्नोई के साथ चल रहे विवाद को सलमान खान से 5 करोड़ रुपए लेकर सुलझाया जा सकता है। संदेश भेजने वाले ने खुद को बिश्नोई गैंग का नजदीकी बताया है और चेतावनी दी है कि अगर सलमान ने पैसे नहीं दिए तो उनका अंजाम बाबा सिद्दीकी से भी बुरा होगा। संदेश के अंत में यह भी लिखा गया है कि इस धमकी को हल्के में न लें। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है, क्राइम ब्रांच इसे गंभीरता से ले रही है और धमकी भेजने वाले को ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि कहीं इसके पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं है। दूसरी ओर सलमान खान का परिवार उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। परिवार से जुड़े एक करीबी सूत्र ने बताया कि बिश्नोई ने भले ही सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ली है, लेकिन यह भी हो सकता है कि वह इससे किसी बड़ी साजिश को छिपाने की कोशिश कर रहा हो। सूत्र ने इंडिया टुडे से कहा, क्या वाकई जेल से किसी के लिए ऐसे काम करना इतना आसान है? और आखिर सलमान को डराने के लिए बाबा सिद्दीकी पर हमला क्यों किया गया? यह सब बहुत संदिग्ध लग रहा है। इस बीच अरबाज खान ने भी सलमान की सुरक्षा और बाबा सिद्दीकी की हत्या पर अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा, हम ठीक हैं। मैं यह नहीं कहूंगा कि हम पूरी तरह से ठीक हैं, क्योंकि परिवार में अभी बहुत कुछ चल रहा है। हर कोई चिंतित है। हम वो सब कर रहे हैं जो कर सकते हैं। सरकार और पुलिस के साथ मिलकर हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि हर चीज सही तरीके से हो और सलमान भाई सुरक्षित रहें। साथ ही एक्टर अक्षय कुमार ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसमें वह काफी नाराज दिखे। उन्होंने कहा कि मुंबई में बढ़ती दहशत और बॉलीवुड एक्टर्स को मिल रही धमकियां बेहद चिंताजनक हैं। यह बेहद दुखद है कि कुछ लोग अपनी पॉपुलैरिटी और गैंग का दबदबा बढ़ाने के लिए उन कलाकारों को निशाना बना रहे हैं, जिन्होंने कभी किसी का नुकसान नहीं किया बल्कि हमेशा दूसरों का भला ही चाहा है। हाल ही में हुई बाबा सिद्दीकी की हत्या की खबर ने सभी को चौंका दिया है। आखिर उस व्यक्ति का किसी से क्या बैर था कि उसका ऐसा हश्र किया गया? कोई गैंग इतना गिर सकता है कि उन्हें सिर्फ अपनी पॉपुलैरिटी और दहशत फैलाने की पड़ी हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि सलमान भाई सुरक्षित रहें और जिन जिन कलाकारों को ऐसे बेवजह और घटिया किस्म के गैंगस्टर से धमकी मिल रही है, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो। पुलिस और प्रशासन सभी का सहयोग करें और इस बढ़ती दहशत को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए न्याय सुनिश्चित करें। बाबा सिद्दीकी अपने सामाजिक प्रभाव और भव्य इफ्तार पार्टियों के लिए मशहूर थे और उनका नाम कई बॉलीवुड सितारों के करीबियों में शामिल था। उनकी हत्या ने फिल्म इंडस्ट्री को स्तब्ध कर दिया है, क्योंकि वे वहां बेहद पसंद और सम्मानित व्यक्ति थे। इस घटना के बाद सलमान खान के प्रशंसकों के बीच भी चिंता बढ़ गई है। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है कि सलमान खान की पूर्व प्रेमिका सोमी अली ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को एक ओपन लेटर लिखा है। अमेरिका में रहने वाली सोमी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए लॉरेंस से आग्रह किया है कि वे उनसे जूम कॉल के जरिए बात करें। सोमी ने अपने पोस्ट में लिखा है कि वे राजस्थान में बिश्नोई समाज के मंदिर जाकर पूजा करना चाहती हैं और उन्होंने लॉरेंस से उनका मोबाइल नंबर भी मांगा है। सोमी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लॉरेंस की तस्वीर शेयर की और कैप्शन में लिखा, यह लॉरेंस बिश्नोई के लिए सीधा संदेश है। उन्होंने नोट की शुरुआत करते हुए लिखा, नमस्ते लॉरेंस भाई, सुना है कि आप जेल से जूम कॉल्स भी कर रहे हैं, तो मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। कृपया मुझे बताएं कि यह कैसे संभव हो सकता है। सोमी ने आगे लिखा, हमारी पूरी दुनिया में सबसे पसंदीदा जगह राजस्थान है।
हम आपके मंदिर आना चाहते हैं पूजा के लिए, लेकिन पहले आपसे झूम कॉल के जरिए कुछ बातें तय हो जाएं। यकीन मानिए, यह आपके फायदे की ही बात होगी। कृपया अपना मोबाइल नंबर दें, आपका बड़ा एहसान होगा। धन्यवाद। अगर बात करें कि सोमी अली कौन है, तो वे एक पाकिस्तानी अमेरिकी अभिनेत्री हैं, जिन्होंने 90 के दशक में कई बॉलीवुड फिल्मों में काम किया था। पाकिस्तान में जन्मी सोमी अब अमेरिका में रहती हैं और 90 के दशक में सलमान खान की गर्लफ्रेंड रही थीं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सोमी और सलमान ने करीब 8 साल तक एक दूसरे को डेट किया था। ब्रेकअप के कुछ साल बाद सोमी ने सलमान पर मारपीट और धोखा देने के आरोप भी लगाए थे। इसके बावजूद इसी साल जब सलमान के घर के बाहर फायरिंग हुई थी, तो सोमी ने एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा था कि वह सलमान की तरफ से बिश्नोई समाज से माफी मांगने को तैयार है। इसके साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि 90 के दशक में सोमी अली और सलमान खान ने एक साथ फिल्म बुलंद में काम किया था। यह फिल्म सोमी का डेब्यू प्रोजेक्ट होने वाली थी और इसकी शूटिंग लगभग 80% पूरी भी हो चुकी थी। मेकर्स इसे 1993 में रिलीज करने वाले थे, लेकिन शूटिंग के दौरान प्रोड्यूसर रफीकाजी को हार्ट अटैक आ गया। इसके बाद फिल्म की रिलीज पहले टल गई और फिर इसे बंद कर दिया गया। अब बात करें लॉरेंस बिश्नोई की, तो वह इस समय गुजरात की साबरमती सेंट्रल जेल में बंद है, लेकिन पिछले काफी समय से सलमान खान को जान से मारने की धमकियां देता आ रहा है। हाल ही में उसकी गैंग ने सलमान के करीबी दोस्त और पॉलिटिशियन बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी थी। इससे पहले भी लॉरेंस गैंग ने सलमान के घर पर फायरिंग करवाई थी। इतना ही नहीं, सिंगर एपी ढिल्लों के कनाडा स्थित घर के बाहर भी फायरिंग की घटना में इसी गैंग का हाथ था। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की धमकियों का शिकार सिर्फ सलमान खान ही नहीं है, स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी भी उनके निशाने पर हैं। हाल ही में मुंबई क्राइम ब्रांच ने खुलासा किया कि मुनव्वर भी लॉरेंस की हिट लिस्ट में शामिल हैं। खबरों के अनुसार मुनव्वर न केवल सलमान के करीबी हैं, बल्कि धर्म पर दिए गए अपने विवादास्पद बयानों की वजह से भी गैंग के टारगेट पर आ गए हैं। जानकारी मिली है कि मुंबई पुलिस ने सलमान की सुरक्षा बढ़ाने के बाद अब मुनव्वर को भी सुरक्षा देने का फैसला किया है। सितंबर में मुनव्वर पर हमले की एक कोशिश नाकाम की गई थी। जब वे एक फ्रेंडली मैच के लिए दिल्ली गए थे, तो उनके होटल की रेकी की गई थी। 15 सितंबर को उन्हें जान से मारने की धमकी मिली, जिसके बाद वे जल्दी से मुंबई लौट आए थे। टाइम्स नाउ की एक रिपोर्ट के अनुसार मुनव्वर की रेकी करने का काम भी लॉरेंस गैंग ने किया था। दिलचस्प बात यह है कि जिस फ्लाइट में मुनव्वर दिल्ली गए थे, उसी फ्लाइट में गैंग के दो शूटर भी सवार थे। पुलिस इन शूटरों को दिल्ली के एक व्यापारी की हत्या के मामले में पहले से ही तलाश कर रही थी। मुंबई में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की बढ़ती दहशत को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि बॉलीवुड से जुड़े लोगों को अपनी सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि कब कौन उनके निशाने पर आ जाए कहना मुश्किल है। दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं आपसे किसी एक और नई वीडियो में नई खबर के साथ। तब तक के लिए वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।